बाजार यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और वहां पर तेजी का मोमेंटम बरकरार है। हालांकि दिग्गजों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही कल के तेज उछाल के बाद। फोकस करते हैं बाजार की आगे की रणनीति और कुछ सेक्टर्स पर क्या राय और रणनीति बनानी चाहिए आपको मैकी सीरीज के लिए। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के गौतम राय सिन्हा रॉय हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गौतम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल बाजार के डायरेक्शन को लेकर ही लेना चाहूंगा, क्या 5900 पर आने के बाद भी पूरा कॉन्फिडेंस है, यहां भी आप खरीदारी करेंगे? जी, एक बहुत स्ट्रांग अप मूव आया है और बहुत तेजी के साथ आया है लास्ट 2-3 वीक्स में, तो इस लेवल पे जाके शायद एक कंसोलिडेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं वो एफआईआई फ्लोज फिर से बहुत स्ट्रांग है। कल भी कैश इक्विटीज में 1500 करोड़ का फ्लो आया है, तो ये फ्लो एक चीज है जो मार्केट को ऊपर की ओर ले जा सकता है। बट इतना शार्प मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज जरूर बनता है एक और अप मूव आने के पहले। और हमने ये भी देखा है कि पहले जो 15 दिन के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं उनमें काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के। आइडिया का रिजल्ट भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा आया है, तो ये रिजल्ट्स का रुख भी अच्छा रहने के कारण बाजार को सपोर्ट मिला है और ये अगर चालू रहा तो उससे भी बाजार को आगे चलकर भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का नंबर्स का परफॉर्मेंस हमने देखा है गौतम, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी NBFC है जहाँ पर हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा है, तो क्या ये एक स्पेस है जहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन रखना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक स्पेस है जिसमें हम अभी भी ओवरवेट रहेंगे। हम काफी टाइम से इस सेक्टर पे ओवरवेट रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, और अभी भी इस माहौल में हम इस सेक्टर पे ओवरवेट रहना चाहेंगे। और इसमें नज़र डालने वाली बात ये भी है कि एक रेट कट की उम्मीद बहुत स्ट्रांगली बन रही है थर्ड में पॉलिसी में, सो ये रेट कट आने से इन बैंक्स को फायदा होएगा। और चूंकि अभी इस साल के अंदर काफ़ी 3 ये रेट कट आ चुके होंगे, तो एक बहुत स्ट्रांग चांस बनता है कि इसका ट्रांसमिशन भी होने लगे सिस्टम में, जो हमने अभी तक देखा नहीं है, जिससे एक ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मूव हो रहा है। ओवरऑल हमारा मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न ले रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब में रिडक्शन आने के कारण हमें लगता है कि बैंक्स एज अ सेक्टर एंड स्पेशली प्राइवेट बैंक्स विद इन दैट काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक और स्पेस जो अब तक नतीजे दे चुकी है ज्यादातर दिग्गज, वो है आईटी शेयरों की। आईटी शेयरों पर क्या अब राय बन रही है आपकी, क्या रुपए की कम मजबूती को देखते हुए इस वक्त खरीदारी अवॉइड करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अच्छे नतीजों के बाद, या फिर अब भी खरीदारी का मौका है? आईटी सेक्टर्स में दो चीजें हैं, एक तो आपने जैसा कहा ये रुपये का जो रुख बदला है उसके कारण आईटी सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और आगे भी आने की गुंजाइश है क्योंकि रुपया थोड़ा स्ट्रांग होने लगा है। दूसरी बात यह है कि आईटी सेक्टर के अंदर सिलेक्ट स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बाकी सेक्टर से काफ़ी बेटर रहा है। एक्सेल टेक और TCS के अगर हम रिजल्ट्स देखें, काफ़ी क्वार्टर से ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट्स वाइज, तो इस क्वार्टर भी हमने 3% प्लस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ देखा है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें अगर फ्रेश पोजीशन बनाने चाहें एक करेक्शन के बाद, वो हम जरूर कर सकते हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि करेक्शंस पर खरीदारी की जा सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस स्पेशली RIL के नंबर्स बेहतर रहे और ये एक एरिया है जहां पर हमने देखा है अक्यूमुलेशन भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। गौतम, कहां पर आप ज्यादा इस समय प्रेफरेंस देना चाहेंगे खरीदारी के लिहाज से, कंसिडरिंग अब कच्चे तेल में भी एक पुल बैक आने लगा है, तो क्या उतना ही फायदा इन स्टॉक्स में मिलेगा इस समय निवेश करके? जी हाँ, बिल्कुल, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सिलेक्टिवली जो ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज हैं ONGC और ऑयल इंडिया, इन पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये दो स्टॉक्स काफी ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं ऑयल सब्सिडी बिल रिडक्शन से। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफ़ी घट गया है, ऊपर से इन लोगों ने डीजल प्राइस हाइक्स दिए हैं, LPG पे कैप लगाया है, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक सब्सिडी बर्डन में स्ट्रांग रिडक्शन बन रही है। अगले 2 साल तक ये चालू रहना चाहिए और इसके कारण ये सेक्टर ONGC और ऑयल इंडिया का स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी काफी अच्छी तरह से बेनिफिटेड होंगी इनसे, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसके अंदर बीपीसीएल स्पेशली हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ सब्सिडी रिडक्शन का बेनिफिट ही नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे आपको अपसाइड फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, जो उनके एसेट्स हैं मोजम्बिक वगैरह में, ग्लोबल एसेट्स एक्सप्लोरेशन के उन्होंने बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं उन लोगों ने, उसका भी उनको बेनिफिट मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जिसपे हम ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर गौतम, एक और स्पेस जो आज इनफैक्ट रेडार पर आई है वो है टेलीकॉम स्टॉक्स। आइडिया के नंबर्स टेला रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा ओवरऑल वॉइस मिनट्स में इजाफा देखने को मिला है। तो इन नतीजों के बल पर क्या ये उम्मीद की जाए कि शायद री रेटिंग की संभावना है, या फिर बाकी कंपनियों के नंबर्स आने दे और फिर एक कॉल लिया जाए? आप क्या अप्रोच रखेंगे? देखिए, आइडिया प्योर डोमेस्टिक टेलीकॉम प्ले है जिसमें वॉइस मार्केट में इम्प्रूवमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उनको। और हमारा ये एक प्रेफर्ड पिक रहा है इस साल, क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि वॉइस का जो मार्केट है उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी घट जाएगी और आपका जो एवरेज रियलाइजेशन पर मिनट जो होता है उसमें भी बढ़त आनी चाहिए, और यूसेज में तो बढ़त आनी ही चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट से निकल गए हैं। और ऐसा ही हमने होते हुए देखा है काफ़ी हद तक इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में, जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग यूसेज ग्रोथ आया है, उससे ड्रिवन हो रहा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि आइडिया की नंबर्स, जो प्रॉफिट नंबर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सब फैक्टर्स के कारण जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो ये एक स्टॉक है जिसमें हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रहा है, और इसको एक कोर पोर्टफोलियो के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है हमारे ख्याल से। तो आइडिया के शानदार नंबर्स के बाद यहाँ पर अब भी खरीदारी के मौके। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज वक्त निकालकर सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर अपनी राय और रणनीति देने के लिए। इस बीच बाजार ने आज नई सीरीज की, मैच सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती के नोट पर की है, खासतौर से दिग्गजों पर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अब भी तेजी का रुझान बरकरार रखने में कामयाब। देखना है कि क्या लोअर लेवल से कुछ रिकवरी बाजार में आती है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे आपके लेकर आएंगे आवाज़ IPL, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।